अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात। आज तक पर दिल दहलाने वाली सनसनीखेज खबर। दोस्तों, ये खबर बिसरू गांव और गुबराड़ी गांव के बीच से निकल करके आ रही है, जहां गुबराड़ी रोड पर एक महिला का मर्डर हो गया है। दोस्तों, मर्डर किस तरीके से हुआ है ये तो अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। वहां 112 नंबर यानी पुलिस पहुंच चुकी है और मौके पर काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं। एक सूत्र ने मुझे कॉल करके बताया है। दोस्तों, समय हो रहा है रात के करीब 12:32। इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उन्हें YouTube अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं इस महिला की तस्वीर तो आपके सामने दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन दोस्तों, ये महिला जिस हालत में यहां पड़ी हुई है, उससे ये पता चल रहा है कि कोई इस महिला का मर्डर करके यहां से भाग गया होगा। जो मैं बता रहा हूं वही फैक्ट है जो लोगों ने मुझे बताया। जो तस्वीर में मुझे दिख रहा है, एक महिला है जो कि बीचों बीच रोड पर पड़ी हुई है और औंधे महिला का जो चेहरा है वो जमीन पर टिका हुआ, यानी कि जमीन पर उल्टी वो महिला लेटी हुई है और एक मासूम बच्चा उस महिला के पास जिंदा है, यानी बैठा है। तो इतनी दर्दनाक वारदात सामने देखने को मिल रही है कि गुबराड़ी रोड पर एक महिला का किसी ने मर्डर किया है या फिर किस तरीके से इस महिला की मौत हुई है, ये तो वक्त तय करेगा पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस मामले का खुलासा करता है। लेकिन घटना बहुत दुखद है दोस्तों। महिला औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई है, यानी कि वो मृत अवस्था में है। उसी मृत महिला का बच्चा उस महिला के पास बैठा हुआ है, मासूम बच्चा है। दोस्तों, इस मासूम बच्चे की थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सूत्रों ने मुझे वहाँ से वीडियो बना करके भेजा है, वो वीडियो मैंने अपने बराबर स्क्रीन पर लगा दिया। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक ये वारदात सामने आई है, जहाँ बिसरू से गुबराड़ी के लिए जो रास्ता जा रहा है, जो रोड जा रहा है, उस रोड पर दोनों गांवों के बीचों बीच शमशान जंगल में बीच रोड पर एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है, औंधे मुंह पड़ी हुई है और इसके अलावा एक मासूम बच्चा है जो कि जिंदा है और अपनी माँ के पास इस अंधेरी रात में बैठा हुआ है। इतना दर्दनाक ये मंजर देखने को मिल रहा है। किस कातिल ने इस वारदात को अंजाम दिया है, इस तरीके की जो घिनौनी हरकत जिसने भी की है दोस्तों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेवात पुलिस से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके बिसरू के गुबराड़ी रोड पर पहुंचा जाए और इस महिला की जांच की जाए कि आखिर इस महिला का मर्डर किस तरीके से हुआ है, कौन है इस मर्डर के पीछे जिन्होंने इस महिला का मर्डर कर दिया है कि एक महिला मृत अवस्था में गुबराड़ी रोड पर खड़ी हुई है, औंधे मुंह और उसके पास एक मासूम बच्चा है जो कि जिंदा है और अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। फिलहाल भारी तादाद में ग्रामीण वहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं, पुलिस बल भी वहाँ पहुँच चुका है और पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि जितना जल्द हो सके पुलिस दस्ता बिसरू गांव के गुबराड़ी रोड पर पहुँचे और इस मर्डर के बारे में खुलासा करने की कोशिश करे कि आखिर इस महिला की मौत किस हालत में हुई है, क्यों हुई है, कौन है इस मौत के पीछे। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक एक वारदात सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा कि माँ का मर्डर हुआ है और एक मासूम बच्चा इस कपकपाती अंधेरी रात में शमशान जंगलों के बीचों बीच रोड पर माँ के पास जिंदा ही बैठा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।